This video is for class 6 subject chemistry. We are continuing chapter number 5, that is water. This is the second part. Water is available in 3 states. First one is solid state, as we see in the form of ice, then liquid state and gaseous state. In liquid state we see water, and the gaseous state it is called water vapor or steam. Now see the different states of water in nature. How do we found it? In nature, water exists in all the 3 states, solid, liquid and gas. In the solid state, it is found in glacier and on mountains as snow. In the liquid state, it is found on the ocean, sea, rivers, lake, pond and rainwater. In the gaseous state, it is present as water vapor in the air. So we can see that all the 3 forms of water is available in nature. यहाँ पर हम लोग glacier पे देखते हैं, बर्फ होता है, river और lake में water के form में होता है और air में वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अनदर फॉर्म ऑफ वाटर इज ऑल्सो ड्यू. टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर विच फॉर्म आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ड्यू ऑन लीव्स एंड ग्रास. हम लोग क्या देखते हैं, सुबह सुबह पेड़ पौधे के ऊपर, जनरली लीव्स के ऊपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट होता है. वो क्या होता है, वाटर जो कंडेंस, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होकर के टेम्परेचर कम होने की वजह से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. द फ्रॉस्ट फॉर्म बाय द फ्रीजिंग ऑफ ड्यू. और दूसरा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये स्नो की तरह जो जम गया बर्फ के ऊपर, इसको फ्रॉस्ट बोलते हैं. फॉग यानी कि कुहासा. टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर फॉर्म बाय द वाटर वेपर नियर द ग्राउंड. इसमें क्या होता है कि हम जो है वो वाटर ड्रॉपलेट की वजह से हम लोग को वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है वो कुछ सब्सटेंस के साथ मिलकर के, स्मोक के साथ मिलकर के क्या होता है, वो फॉग बनाता है. दैट इज़ कॉल्ड कुहासा. और इसमें हम लोग को जैसे कि विजन सामने के का जैसे धुआं की तरह दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉग. पिक्चर भी दिया हुआ है. नसी द इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ वाटर. कैसे बर्फ़ से आइस, आइस से वाटर बनता है, फिर वाटर से वेपर बनता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे. Under normal condition, the water exists in the liquid state. When water is heated to 100 degree centigrade, अभी हम लोग पढ़े थे कि 100 degree centigrade उसका boiling point है, तो उसमें क्या होगा, it will change into the gaseous state which is called water vapor or steam. पानी जो है वो भाप बन जाएगा, steam बन जाएगा. When water vapor or steam is cool, it changes into water. भाप जब ठंडा होता है तो क्या बनता है, पानी बन जाता है वापस. जब हम लोग क्या देखते हैं, कोई गर्म बर्तन है उसको अगर हम लोग ढक्कन से ढाँक देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, जब ढक्कन हटाएंगे थोड़ी देर बाद तो ढक्कन के ऊपर पानी जम जाता है, तो वो भाप जो है वो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है ठंडा होने पे. व्हेन स्टीम इज कूल इट चेंजेस इनटू वाटर. है ना, ये लाइन याद रखने का है कि स्टीम जब ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है, पानी. व्हेन वाटर इज कूल टू 0 डिग्री इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट. वही पानी और ठंडा होगा जब हम लोग उसको फ्रिज में रख देंगे तो वो क्या होता है, फ्रीजर से आइस बन जाता है. सिमिलरली व्हेन आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड वाटर. जब बर्फ पिघलेगा, गर्म करेंगे बर्फ को, तो वो पानी बनेगा पहले. सो दिस इज द इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ वाटर ऑल्सो ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल. तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो पानी बॉयल हो रहा है, फिर वो पानी ठंडा हो रहा है 0 डिग्री पे तो वो बर्फ जम रहा है. तो ये तो हमको टेम्परेचर अप्लाई करने की वजह से हो रहा है, लेकिन बाय नेचर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं. कैसे करता है वाटर साइकिल, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे. ये आपके बुक के पेज नंबर 74 में दिया हुआ है, इसका एक पिक्चर भी दिया हुआ है. देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, द हीट ऑफ द सन एवेपोरेट्स द वाटर प्रेजेंट इन सी, ओशियन, रिवर, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज. क्या होता है, सन के हीट के वजह से, सन सूरज की रोशनी जो पड़ती है उसमें इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो जो है जो रिवर बॉडीज़ है जहाँ जहाँ पे पानी होता है, जैसे रिवर बॉडीज़ का नाम बताया है, रिवर, लेक, ओशियन, सी, ये सब के पानी को वो क्या कर सकता है, एवोपोरेट कर देता है. प्लांट्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. उसके अलावा तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ से पानी एवोपोरेट होकर के एटमोसफियर में भाप की शक्ल में, वाटर वेपर की शक्ल में जमा हो रहा है. दूसरा चीज़ है कि ये एटमॉस्फेयर को पानी और कहाँ से मिलता है, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन द प्लांट्स आल्सो एलिमिनेट्स वाटर. तो उसमें भी पानी, पेड़ पौधा क्या करता है कि अपने एक्सेस वाटर वेपर के फॉर्म में अपने बॉडी से एलिमिनेट करता है, तो वो भी वो पानी निकलता है वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में यानी एयर में जाता है. वाटर वेपर राइजेज अप एंड मिक्सेस विद द एयर. व्हेन इट रीचेज हाई अप इन द एटमॉस्फेयर इट कूल्स. दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव हायर एंड हायर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस.
ज़मीन से हम लोग जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, इसीलिए ये एयर जो है वो जब एटमोसफेयर में एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है तो वो कंडेंस होने लगता है, मैंने उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। एट अ सर्टेन हाइट द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट में वो वेपर क्या बन जाता है, इट चेंजेस इन टू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, मैंने जितना भी वेपर जो प्रेजेंट था एटमोसफेयर में वो एक पर्टिकुलर हाइट में जाने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉर्म क्लाउड्स, इसी की मदद से क्या बनता है, क्लाउड्स बनता है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो डस्ट पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट होता है वो डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर के क्या बनाता है, दे फॉर्म द क्लाउड। क्लाउड यानी बादल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किससे बनता है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल के कंडेंस होने से बनता है। द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर इन द क्लाउड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज वाटर ड्रॉपलेट, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर सो हैवी दैट द एयर कैन नॉट होल्ड देम, डस दे फॉल डाउन एज रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बादल में बहुत ज़्यादा वेपर भर जाता है वाटर वेपर तो क्या होता है, बादल की वजह से क्लाउड की वजह से बारिश होती है। However, at places where the temperature is very low, the water droplet freeze in the atmosphere and fall down in the form of snow. क्या होता है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ पर क्या देखा जाता है कि उसका जो वेपर है वो पानी यानी रेन के फॉर्म में नहीं गिर करके स्नो के फॉर्म में गिरता है, दैट इज़ कॉल्ड स्नोफॉल। जैसे हम लोग रेनफॉल बोलते हैं ना, पानी बारिश होने को रेनफॉल बोलते हैं, वैसी कुछ जगह में या माउंटेनियस रीजन में जहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी लो होता है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाता है और वो स्नो बन जाता है, तो वहाँ पर स्नो फॉल होता है, छोटा छोटा बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है। सम रेन वाटर सीप्स डाउन द सॉयल एंड कलेक्ट्स अबव द नॉन पोरस रॉक एज ग्राउंड वाटर, यही रेन वाटर क्या करता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो क्या बन जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। देखिए यहाँ पर आपके पिक्चर में भी दिया हुआ है कि जो रेन वाटर नीचे आ रहा है वो लेयर्स ऑफ अर्थ से होते हुए कहाँ जाता है, ग्राउंड वाटर बनाता है। ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट फॉर डिफरेंट पर्पज, दिस वाटर देन रीचेज द रिवर एंड फाइनली द ओशन। सम रेन वाटर फ्रीजेज एज आइस ऑन माउंटेन, दिस आइस मेल्ट एंड फ्लोज इन टू रिवर एंड ओशियन, इट अगेन एवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियन सी एंड रिवर, दिस साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि यह जो वाटर बॉडीज है इससे वेपर के फॉर्म में, सन की वजह से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वो डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर क्लाउड बनाया, क्लाउड बनने के बाद वो वापस बारिश बन गया तो ग्राउंड वाटर बनाया, फिर लेक पॉन्ड ये सब में भी बारिश का पानी ही जमा होता है। और इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि फिर यही लेक और पॉन्ड की वजह से क्या होगा, दोबारा ये सन की वजह से वेपोरेट होगा, फिर बादल बनेगा, क्लाउड बनेगा, फिर बारिश होगी। सो आवर साइकिल इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ अर्थ सरफेस एज वाटर वेपर टू द एटमोसफियर। वाटर साइकिल का अब डेफिनेशन बताया है फिर कि ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट हम देखते हैं अर्थ सरफेस से वाटर वेपर के फॉर्म में एटमोसफियर में जाता है, फिर फ्रॉम द एटमोसफियर बैक टू द अर्थ सरफेस एज रेन, वो बादल बनता है, बादल बनने के बाद क्लाउड बनने के बाद रेन के फॉर्म में वो वापस ज़मीन पे आ जाता है, या रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीट, द होल मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नाउ व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंट, इट मेंटेन द वाटर ऑन लैंड बाय रिस्टोरिंग द वाटर लॉस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, अगर ये बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ज़मीन से जो पानी है एवेपोरेट करके चला गया था तो वो अर्थ सर्फेस के ऊपर पानी का अमाउंट कम हो जाएगा, इसलिए वाटर साइकिल जो है वो वाटर लेवल को, अर्थ के ऊपर वाटर लेवल को बराबर रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द क्लाइमेटिक कंडीशन, जब बारिश होती है तो क्या होता है, वेदर चेंज हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, हवा चलती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, सो वी फील गुड, तो उसके वजह से रेनी सीजन आता है ना, तो अगर ये चीज़ नहीं होगा, पूरा वाटर साइकिल ही नहीं होगा, देन देर विल बी नो क्लाइमेट चेंज, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।